ब्रजचारी वीडियो आपका स्वागत है। आज ही ऑल न्यू हुंडई एस्टर के सामने खड़ा हुआ हूँ मैं। ये जो गाड़ी है ना भाई, मर गई। मैं लॉन्च तो हुई है लेकिन लॉन्च होते समय तहलका सा मचा दिया ना। मैं हूँ प्रेजेंट में रॉयल हुंडई ग्वालियर। भीड़ भी आप देख सकते हो, पर देखते समय वालों की सबकी देख सकते हो, पर कैसी क्या भीड़ है भाई। एक बार सारे बंदे देख रहे हैं इसको, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है। दिखाता हूँ, ओवरऑल दिखाता हूँ आपको कैसी गाड़ी है, कैसी क्या नहीं है। सामने से आप देख ही सकते हो कैसी क्या है। सामने से भाई इतना बड़ा जो एस्टर का बैजिंग दे रखी ना कंपनी वाले लगा के दे रहे हैं, और कई लोग तो बाहर से लगवाते हैं भाई। ये चीज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। तो सामने से जो ग्रिल है ना इसकी, इतनी शानदार लग रही। ग्लॉसी ब्लैक कनेक्स दी गई, रेगुलेटर ग्रिल इसके अंदर दी, न्यूआ एलिमेंट इसके अंदर दिया गया भाई, ताकि और लाइसेंस प्लेट की नंबर की जगह ग्रिल आपको ऐसी दी गई है। रेगुलेटर ग्रिल स्पीड प्लेट आपको दी गई, यहाँ से 190 mm के इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको। बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है भाई सेगमेंट में, हुंडई का बड़ा सा लोगो। लाइट आपको ऐसी मिल जाती है, आपको मैं जला के दिखाता हूँ एक बार कैसी क्या मिलती है, कैसी क्या नहीं मिलती है। बात करते हैं, लाइट आपको ऐसी मिल जाती है, आप देख सकते हो। DRL भी आपको ऐसी मिलती है, देखो एच शेप के अंदर इसके अंदर DRL मिल जाती है ऐसी आपको, एच शेप वाली। हेलोजन हेडलाइट मिलती है इसके अंदर, क्रोम की आपको इसके अंदर वो मिल जाती है, क्रोम की लाइन इस टाइप की मिल जाती है, आप देख सकते हो एक बार। इसके अंदर हेलोजन मिलता है लेकिन LED इसके अंदर नहीं आता, ये अपनी क्रोम में आ जाती है, उसकी नहीं LED आ जाती है अपनी। और भाई काफ़ी शानदार सा लुक दिया गया इसका। 6 लाख रुपए शुरू होती है और एक शोरूम जाता है इसका 10 लाख रुपए तक। लेकिन भाई इसका जो मैनुअल वेरिएंट है ना 9,32,000 रुपए का है भाई, शानदार सा वेरिएंट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई। ऑटोमेटिक जिसको नहीं चाहिए वो मैनुअली लेता है, जिसको ऑटोमेटिक चाहिए वो ऑटोमेटिक लेता है। ठीक है भाई, स्मार्ट फोटो के साथ आती है वाली गाड़ी भाई, शानदार लुक भाई। ये तो हुंडई मज़ा बांध दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को पसंद आ रहा हो वीडियो, नहीं तो फिर डिसलाइक करके जरूर जाओगे आप लोग। ये काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं आपको कहती हूँ आपको ऐसा एंट्री मिल जाता है सामने का भाई, काफ़ी बड़ा सा मिल जाता है, ऐसी क्लाइडिंग आपको मिल जाती है काफ़ी। और सबसे मेन चीज़ भाई, स्मार्ट ऑटो की बैजिंग आपको मिल जाती है इसके अंदर भाई। गियर भी जो आता है स्मार्ट ऑटो के अंदर, मैनुअल और ऑटोमेटिक की आता है। बात करते हैं वेरियंट कौन सा है भाई, ये है वेरियंट एस्टर का SX ऑप्शनल कनेक्टेड AMT ऑटोमेटिक में आता है, ये वाला वेरिएंट जो है ये। चलो क्लाइडिंग आपको हर एक SUV में आपको ऐसी कैसी मिल जाती है। लेकिन भाई 15 इंची का अलॉय व्हील C8 का टायर आपको मिल जाता है भाई, काफ़ी शानदार है 15। देखो आपको टायर साइज दिखाता हूँ, 175 165 R15 टायर मिल जाता है। टेलीफोन सस्पेंशन मिल जाता है इसके अंदर, काफ़ी अच्छी बात है। इसमें स्मार्ट ऑटो की बैजिंग मिल जाती, ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आपको और भी मिल जाते हैं 10 इंडिकेटर साथ, वही सेम वेन्यू वाला है। देखो भाई पार्ट शेयरिंग न्यू गाड़ी के अंदर सब में होते हैं, आप भी जानते हो। चलो बोनट आपको ऐसा मिल जाता है, सामने से कर्व डिजाइन आपको यहाँ दी गई क्योंकि एरोडायनामिक इसके अंदर देना था, इस वजह से देना था। 2 वाइपर मिल जाते हैं वॉशर के साथ, रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ दिख रही होगी इसके अंदर भाई, इन बिल्ड ही आपको इसके अंदर डैश कैम मिलता है जो टॉप एंड लाइन के वेरिएंट के अंदर आ जाता है। सामने साथ दिखाई गया ये चीज़ है। अब लेकिन एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये नट टाइप के दिखेंगे लेकिन नट नहीं है, एक शो टाइप का दे, ट्विन हुक मिल जाता है आपको यहाँ पे, ये अपनी ऐसी मिल जाती है। चलो इनको बंद करते हैं एक बार, और बंद करने के बाद ना फिर दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें भाई। बंद हो जाएगा तो ठीक है, ये बंद हो गई। अब इन्हें तो मैंने आपको दिखाई दे, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ये मिलते हैं भाई, ये ऐसे वाले पूरे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है ये वाला पिलर, और ग्लॉसी ब्लैक डुअल टोन के अंदर है ये, तो डुअल टोन के अंदर आपको ऐसे मिल जाता है। रूफ लाइन में भी आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलती है, लेकिन पिलर आपको अपने मैट फिनिश में ही मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं मैट फिनिश में यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक मिलता है। अपनी ये रूफ लाइन भी ऐसे क्वार्टर पैनल का मिलता है, एक गोल्ड पैनल आपको यहाँ मिलता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा सा पैनल ना मिले इस वजह से आपको उन्होंने ग्लॉसी ब्लैक दिए। स्ट्रक्चर आपको छोटा छोटा देख सकते, बारीकी से उन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। ये इसका रियर प्रोफाइल लुक, रियर का भी शानदार लुक दिया गया है लोगों ने भाई, काफ़ी अच्छा है। रियर वाइपर एंड डिफॉगर आपको दिया गया है इसके अंदर। 6 एयरबैग की बैजिंग तो भाई अब तो हाईलाइट करके दे रही है हुंडई, ये चीज़ 6 एयरबैग स्टार्टिंग, ये चीज़ स्टार्टिंग में है भाई, बेस मॉडल से ही आपको। XX की बैजिंग लेकिन ऑप्शन नहीं लिख सकते, SX लिखते हैं। टेल लाइट आपको ऐसी मिल जाती है, यहाँ पर एक्स्टर की बैजिंग, हुंडई का बड़ा सा लोगो, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है भाई। अब मिल जाते हैं भाई शानदार लुक में मिलते हैं भाई, ये बंद हो चुके हैं ऐसे जलते हुए है ना, ये वाले मिल जाते हैं एच शेप में। ये रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये इंडिकेटर के लिए अपना, ये ब्रेक लाइट के लिए, कनेक्टेड तो नहीं है लेकिन कनेक्टेड जैसा लगता जरूर है। ये काफ़ी अच्छे 2 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, एक यहाँ पे मिलता है एक आपको यहाँ मिल जाता है, लेकिन नट टाइप की लुक तो इन्होंने थ्रू से इन्होंने एंड तक दी गई है। चलो बूट स्पेस की बात करते हैं, बूट स्पेस आपको कैसा मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, हेलोजन आपको नंबर प्लेट की लगे जगह वो मिल जाती है, लाइट रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ मिलता है, पार्सल ट्रे आपको मिल ही जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है इसके अंदर।
लाइट आपको मिल जाती है इसके अंदर। और भाई ऐसा बड़ा सा एरिया है कि ना भाई काफ़ी शानदार है, लेकिन बोटी से बातें बात करें पहले इसका देख लें। हाँ भाई ये है भाई, इसको भाई 14 इंची का ही दिया है कंपनी ने, आप देख सकते हो। एक बार दिखा दूँ एक बार, अपोलो का टायर है R14, दिख नहीं रहा भाई तार साइज तो पता नहीं कहाँ गया इसका, ये है 14 इंची का, ये है। बुढ़ से वैसी बात करें लगभग बता रहा हूँ लगभग 390 के आसपास मिल रहा है, 390 के आसपास ही है। ग्रैप हैंडल आपको पकड़ने के लिए यहाँ दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़। इसको बंद करते हैं एक बार, चलो आइए रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं पैसेंजर डोर के अंदर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले इसको लाइट बंद कर देते हैं एक बार, रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं पैसेंजर डोर के अंदर क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है। आपको ऑल ब्लैक का फिनिश इसके अंदर, स्ट्रक्चर आपको वही मिल जाता है न्यूज जैसा, लेकिन छोटा छोटा बारीक बारीक टाइप का उन्होंने दिया गया है, देख सकते हो आप, छोटा छोटा बारीक बारीक टाइप का उन्होंने दिया गया है, देख सकते हो आप छोटा छोटा। अपने पोर्टल होल्डर अपना मिल जाता है यहाँ पे, मैक पॉकेट यहाँ मिल जाती है, पावर विंडो कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक। और भाई गन मेटल टाइप का उन्होंने अपना डोर ओपनर दिया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है, एरिया काफ़ी स्पेसियस है, बैठने की जगह भी काफ़ी अच्छी। देखो लेग रूम मेरा इतना आता है भाई, ड्राइवर साइड में सीट है ये एडजस्ट में, लेकिन लेग रूम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब हेडरेस की बात करते हैं तो हेडरेस आपको कैसा क्या मिलता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। देखो इधर आपको वो मिल जाता है अपना इंटीरियर स्पेसशिप, अब हेडरेस दिखाता हूँ आपको हेडरेस कैसा मिलता है। ये है हेडरेस की बात करें, हेडरेस आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, ऊंचा और नीचे वाला 6 फुट का बंदा इतना भी आएगा ना तो भी टेंशन की बात नहीं है, इतना आता है इसके अंदर, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब मैं 5'4" मेरी हाइट है, लेकिन 5'4" के अंदर भाई इतनी शानदार स्पेसियस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही भाई, प्लीज़ बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, निवेदन करता हूँ आप लोगों से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ये चीज़ है। घर हेडर्स बहुत अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छी इसके अंदर शानदार चीज़ें मिल जाती हैं। देखो सीट बेल्ट भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, हेडरेस आपको यहाँ से मिल जाते हैं भाई, बैठने में कोई इशू नहीं है इसके अंदर, मैं आपको सीधी बताऊँ। इसको लगा लेते हैं एक बार, है ना, और दिखाता हूँ आपको। देखो अब हेडरेस वगैरह, सीट बेल्ट पीछे कब दिया गया काफ़ी अच्छी है, ग्रैप हैंडल आपको दिया है यहाँ पे, आपको कोट हुक भी दिया गया, और सामने से आपको ऐसा एरिया मिल जाता है। चलो रियर रिसीवेंट आपको यहाँ मिल जाता है, रियर रिसीवेंट के साथ में आपको इसमें 12V का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। देखो अब एक बार 12V का चार्जिंग पोर्ट भी इसके अंदर मिल जाता है, ये 12V का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, रियर रिसीवेंट मिल जाता है, अपने ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो इसको। चलो चलो भाई इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी, सब्सक्राइब कर लेना। ये ड्राइवर साइड डोर रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको मिल जाता है, बीम में जैसे जो लॉक अनलॉक इसमें आते ही आते हैं। चलो पोंपों का हॉर्न, डोर ट्रिम आपको ऐसे मिल जाती, ऑल ब्लैक सेम वही है, यहाँ से लॉक अनलॉक भी हो सकता है भाई यहाँ से, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। चलो ये बढ़िया है, लॉक अनलॉक लाइट शेफ्ट के लिए ये है। चलो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी लॉक आपको मिल जाए, ऑटो डाउन ऑटो आपके साथ ही अपनी आती है। सीट की बात करें, सीट आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है, ड्राइवर एडजस्ट मिलती है, बैक एडजस्ट करने के लिए मिल जाती है, टर्फ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाता है, ब्रेक विंग प्लेट आपको यहाँ उनकी देती नहीं, ऑटोमेटिक और मैनुअल के अंदर आती है। ये फ्यूज बॉक्स मिल जाता है बीम एडजस्ट के लिए, और एक ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, और अपना ये पता नहीं किस चीज़ के लिए है, समझ लेना आप लोग। एडजस्टर आपको यहाँ मिल जाता है, एसी वेंट आपको वही मर्सिडीज वाले ही मिलते हैं, समझ गए हो गए आप, यही है ना, ये काफ़ी अच्छी। चलो बैठ के देखते हैं, 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको, स्टेबिलिटी कंट्रोल आपके यहाँ, क्रूज कंट्रोल आपके, मैड आई डी डिस्प्ले आपके यहाँ मिल जाते हैं, ये इसकी MID, और ये अपना भाई म्यूजिक सिस्टम जो सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है भाई ये, इसको पहले सेटअप करना पड़ेगा, हाँ ये सेटअप हेटअप जो भी है करना पड़ेगा जो भी है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल मैप वगैरह सिस्टम आपको यहाँ मिल जाते हैं, ये एंड्रॉयड ऑटो पर सारी चीज़ें इसके अंदर, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल ये आ जाता है, एप्पल कारप्ले आ जाता है, ये है ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ मिल जाती है, हेजर लाइट का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, AC वेंट आपको सेम वही वाले मिल रहे हैं जो न्यूज़ वगैरह के अंदर मिलते हैं, ये लाइट के टॉगल आपको मिल गए, ये वाइफर का टॉगल आपको मिल गया आगे और पीछे के, मैनुअल ORBM SOS का बटन, और आपको भाई इन बिल्ड ही आपको मिल जाता है फ्रंट में, आगे आगे वाला और अंदर वाला डैश कैम मिल जाता है इसके अंदर, ग्लो बॉक्स आपको ऐसा मिल जाता है, सनसेट पे बेंटीमर मिलता है इधर नहीं मिलता है। सनरूफ खोल के देखते हैं इसकी, और जब तक आप इसकी लाइट देखते हैं भाई, रीडिंग लाइट आपको टिक टिक वाली भी मिल जाती है, ये भी मिल जाती है, ठीक है, यहाँ से जला सकते हो, इधर यहाँ से जला सकते, ऐसी आपको सनरूफ मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी सनरूफ मिलती है भाई, काफ़ी शानदार, 1 टच क्लोज 1 टच आपके साथ ही वाली आ जाती है। गियर नॉक आपको 5 स्पीड मिलता है, मैनुअल भी 5 स्पीड होगा, ऑटोमेटिक 5 स्पीड मिलता है आपको, ये रिवर्स के लिए मिलता है,
ये अपना रिवर्स कैमरा यहाँ से लगता है, अभी लग नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। और यहाँ से भी आप इसको लगा सकते हो, ये यहाँ से अपना रिवर्स कैमरा भी आ सकता है, हट गया है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिल जाए, दो कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको भाई यूएसबी का पोर्ट मिलता है, 12B का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और अपनी डेस्क कैम यहाँ से हटा सकते हो, अपना यहाँ से अपना डेस्क कैम भी हटा सकते हो और अपना वो भी हटा सकते हो, सॉरी डेस्क कैम के लिए नहीं है, रिवर्स अपने वायरलेस चार्जर के लिए अपना ये वाला है। ये अपना यूएसबी, दो दो यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, एक अपनी म्यूजिक सिस्टम के लिए, अपने एक चार्जर के लिए, और एक अपना भाई डेडिकेटेड आपको यहाँ पर दिया गया है। एक वायरलेस चार्जर आपको यहाँ मिल जाता है। हैंड ब्रेक सारी चीज़ें मैंने दिखाई दी हैं आपको, आगे पीछे बाहर से ये चीज़ काफ़ी अच्छी। चलो इसको बंद करते हैं, गुड बाय बोलते हैं इसको एक बार। ये यह है, यहाँ से खोलेंगे इसका बोनट है, और यहाँ से खोलते हैं इसका पेट्रोल लीवर भाई, और सब चीज़ दिखाता हूँ आपको कैसा क्या नहीं है, है ना। चलो यहाँ पेट्रोल इंजन के साथ आती, पेट्रोल और सीएनजी के साथ। ये है, इसके अंदर भरेंगे पेट्रोल, यहाँ से भरते हैं, 40 लीटर पेट्रोल इसके अंदर आ जाता है। इसकी बाद में करेंगे जो अपनी सेफ्टी वाली, काफ़ी वजनदार है, इंसुलेशन इसके अंदर नहीं दिया गया। एक इंजन के ऑप्शन के साथ आती है जो भाई फेमस है, BBT पेट्रोल इंजन, K12 आता है इसके अंदर, जो BBT आता है भाई, 4 सिलेंडर आता है, और 4 सिलेंडर के हिसाब से काफ़ी अच्छा इंजन है। पावर जनरेट की बात करें, यानी 81 BHP जनरेट करेगा, और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और CNG के आपके अंदर करेगा 65 Nm का टॉर्क, और 65 BHP करेगा, 65 BHP और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। एक्साइड की आपको अब तो हर एक कंपनी के अंदर दे दी गई है, सारी चीज़ें इसके अंदर दे दी गई, पेट्रोल और CNG के अंदर दोनों के अंदर आती है। कवरिंग पीछे नीचे कोई लगा नहीं दी भाई, देख सकते हैं, पर कवरिंग कुछ लगा के इन्होंने नहीं दी है, लगाते हैं। अब सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी के अंदर क्या क्या मिल रहा है, सेफ्टी ABS, EBD, EPMS, सारी चीज़ें भाई जितनी भी आती है ना, 6 एयरबैग, हिल्स कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। तो कैसी लगी बताना जरूर, पसंद है सब्सक्राइब कर लेना, नई या डिसलाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पे।